गाइस, वेलकम बैक टू बॉन्ग ब्यूटी और मैं हूं मनीषा, आपकी दोस्त। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक फेस्टिवल ग्लैम डे टू नाइट मेकअप लुक जो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और क्लासी भी है। तो अगर आपको जाननी है तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को डेफिनेटली देखना और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने क्लीन स्किन को थोड़ा सा प्रेप करूंगी और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम का ये फेशियल टोनर का मिस्ट। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और सारे जो प्रोडक्ट लिंक्स होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग डेफिनेटली उसको चेक कर सकते हो। एंड देन मैं आज एक मैट लुक को क्रिएट करूँगी, इसीलिए मैं एक फेशियल ऑयल को यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी है आप उसी फेशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हो और अच्छे से मैं अपने फेस पे इसको दे दूँगी। उसके बाद मैं हमेशा एक लिप बाम लगाती हूँ और ये मेरी फेवरेट, आप सभी को पता है, वादी का ऑरेंज लिप बाम। एंड डे टाइम में सनस्क्रीन तो मस्ट है और इसीलिए मैं यूज़ करूँगी लॉरियल परफेक्ट का ये यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन और ये SPF 50 PA++++ है और बहुत ही अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा मैट है और ना बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो अभी मेरी स्किन रेडी है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कलर बार का ये फ्लॉलेस प्राइमर और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और प्राइमर को हल्के हाथों से मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। एंड देन मैं आज यूज़ करूँगी मेबेलिन सुपरस्टे फाउंडेशन और ये बहुत 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 ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड मैट फाउंडेशन है गाइज। मैं बस दो पंप ही इसको यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज है इसकी और मेरी वाले जो शेड है वो है 320 हनी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दूँगी। एंड देन मैं यूज़ करूँगी शुगर का ये मैजिक वंड कंसीलर, बहुत ही फेवरेट सी कंसीलर है ये मेरी और मेरी वाली जो शेड है वो है 30 चोकोचिनो और जहाँ पे भी कंसीलर को लगाते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए और वहाँ पे अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। और उसको भी उसी सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट और इसमें एक बनाना पाउडर शेड भी है और एक ब्रॉन्जर भी है और मेरी वाली जो शेड है वो है कैरमल टॉफ़ी। एक्चुअली गाइज ये फाउंडेशन तो बहुत ही ज़्यादा मैट है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग मेकअप भी ज़रूरी है क्योंकि डे टू नाइट मेकअप है, इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट को लेके अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छे से इसको दे दूँगी। एंड देन बहुत ही ज़्यादा ये मैट हो गया है इसीलिए मैं इसी सिचुएशन पे दूंगी ब्लू हेवन का ये सेटिंग स्प्रे। एक्चुअली ये फिक्सर जो है थोड़ा सा ड्यूवी फिनिश देता है इसीलिए ये थोड़ा सा ग्लो भी देगा और उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको थोड़ा सा डैब कर दूंगी अपने पूरे फेस पे। इसकी मदद से मेरी जो मेकअप है वो अच्छे से बैठ भी जाएगा और एक अच्छे से ग्लो भी आएगा, देखा आप लोगों ने। एंड देन मैं अपने फेस को थोड़ा सा वॉर्म्थ दूंगी उसी सेम पैलेट से ब्रॉन्जर शेड को लेके। सभी जो मेरी प्रोडक्ट डिटेल्स है, मेकअप डिटेल्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो आप लोग अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। नायका का ही लिंक है तो अगर किसी चीज़ को परचेज करना चाहो तो डेफिनेटली परचेज भी कर सकते हो। एंड देन उसी शेड को लेके मैं अपना नोज़ को भी थोड़ा सा कॉन्टूर कर लूँगी और मैंने सोचा है कि अभी मैं अपने पूरे फेस मेकअप को ही कंप्लीट कर लूँ, इसीलिए मैं लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये कलर आइकन ब्लश और दिस इज़ इन द शेड मेलो वाइन। और अभी मैं अपना आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी और मैंने आज यूज़ किया है मिस क्लेयर का ये आईब्रो पेंसिल, दिस इज़ इन द शेड डार्क ब्राउन और इसी के साथ स्पूली भी मिलता है।
मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सी एक आई पेंसिल है, वाटरप्रूफ भी है, और आप लोग शायद देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा सा पीछे से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इससे प्रेशर कम आता है और इवनली स्प्रेड होता है, और आपका जो आईब्रो है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है। मुझे भी नेचुरल आईब्रोज़ ही पसंद है, तो ये टिप्स को याद रखना और हमेशा पीछे से ही आईब्रो पेंसिल को पकड़ना ताकि नेचुरल दिखे। और आईब्रोज आर डन। और अभी मैं यूज़ करूँगी आई शेडो, बहुत ज़्यादा लाउड आई शेडो नहीं करूँगी, और मैं आज यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज्ड का ये कलर स्टूडियो पैलेट, मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और ये ब्राउन शेड को लेके मैं अपने ट्रांजिशन को करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा शिमर ऐड करूँगी, ये जो ब्रॉन्जर शेड है उसी को लेके आज मैं अपने पूरे आई शेडो लुक को कंप्लीट करूँगी। तो एज यू गाइस सी के मैं वो जो वार्म ब्राउन शेड था उसको लेके अपने पूरे आईलिड पे अच्छे से दे दूँगी। इससे थोड़ा सा कॉन्टोर्ड एक लुक आता है, मेरी हुडेड आई है इसीलिए कॉन्टोर दिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अभी थोड़ा सा शिमर ऐड करूँगी वो ब्रॉन्जी शेड को लेके, और अपने फिंगर की मदद से अपने पूरे आईलिड पे उसको दे दूँगी। और एज सिंपल एज दैट, एज यू गाइस सी कि ये कितना ज़्यादा सिंपल है। और वो जो शेड है बहुत ही प्यारी एक रस्टिक रेड शेड है, और उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे दे दूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नाइका आई एम बोल्ड काजल पेंसिल, और बहुत ज़्यादा मोटी लाइन तो नहीं, बहुत ही हल्के हाथों से इसको अपने नीचे की जो वाटर लाइन और लैश लाइन है उस पर दे दूँगी। और उसी काजल को लेके मैं अपने अपर लैश लाइन को थोड़ा सा टाइट लाइन दे दूँगी। मैं आज डे टाइम में कोई भी लाइनर को यूज़ नहीं कर रही हूँ आईलाइनर को, और थोड़ा सा जो मेरी स्मज ब्रश है उसको लेके मैं अपने आई शेडो को नीचे की जो वाटर लाइन की आई शेडो थी उसको थोड़ा सा स्मज कर दूँगी। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, मैंने यूज़ किया है मेबलिन कलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, और अच्छे से इसको कोट कर दूँगी। एंड देन मैं यूज़ करूँगी नाइका कॉन्टोर एंड कॉन्कर पैलेट से हाइलाइटर को, ये मेरी बहुत ही फेवरेट सी एक हाइलाइटर है, बिल्डेबल कवरेज है, मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगी डे टाइम में। और अब बारी आती है लिपस्टिक की। जी हाँ, डे टाइम में मैं आज एक न्यूड ही लगाऊंगी, और आज मैं लगाऊंगी NYB का मैक डगल्स फेम, और बहुत 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 ही अच्छी एक न्यूड है डीपर टू डस्की स्किन टोन पे। ये बहुत ही ज़्यादा ब्राउन अंडरटोन एक मॉवी शेड है, मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और दिस इज़ मस्ट हैव फॉर एवरी डस्की गर्ल। और उसके बाद थैंक मी लेटर, और आप प्लीज़ इसको लेना, और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये वाली शेड। एंड फाइनली मेकअप को लॉक करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ये मैट सेटिंग स्प्रे के साथ। ये मैट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं करता, इसलिए मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। एंड द मेकअप इज़ ऑल डन। मैंने थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है, और एक बड़ी सी ईयर रिंग पहनी है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाले लुक। आपको कैसी लग रही है? ये हमारी डे टाइम की लुक है, और अभी हमारे नाइट टाइम की लुक बाकी है। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, और आपको कौन सी वाली लुक पसंद आई मुझे प्लीज़ कॉमेंट पर डेफिनेटली बताना। तो फिर चलिए अभी इसी लुक को थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज करके हम नाइट टाइम की लुक को क्रिएट करते हैं।
एंड नाइट टाइम में ऑब्वियसली हम आई शेडो लुक को तो चेंज करेंगे ही करेंगे, तो उसी के ऊपर मैं इसी पैलेट से ये जो शेड है ब्यूटीफुल सी एक रेड शेड है, थोड़ा सा रस्टी रेड शेड है, उसको लेके अपने पूरे आईलिड पे अच्छी तरीके से दे दूँगी, स्मोकी कर दूँगी एंड देन मैं अपने आउटर वी एरिया को थोड़ा सा इंटेंसीफाई कर दूँगी ये वाली मैट ब्लैक शेड को लेके और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। एंड देन उसी शिमर शेड को लेके, ये एक रेड शिमर शेड है, उसको लेके मैं अपने जो इनर कॉर्नर है अपने आईलिड का उस पर अच्छी तरीके से दे दूँगी और थोड़ा सा और ज़्यादा हाइलाइटर दे दूँगी अपने इनर कॉर्नर पे और ब्राउ बोन पे, और हमारे जो आई लुक है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। एंड देन मैं अपने आई लाइनर को यूज़ करूँगी अभी नाइट टाइम में, और मैंने आज लिया है मेबलिन कलोसल डीप ब्लैक आई लाइनर, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, ना बहुत ज़्यादा मैट है और ना ही ग्लॉसी है, बहुत ही अच्छी एक आई लाइनर है, मस्ट हैव है, और एक विंग लाइनर को ड्रॉ कर लूँगी। एंड देन मैं अपने नीचे की जो लोअर लैश लाइन है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दूँगी वो मैट ब्लैक शेड को लेके, आई शेडो शेड, और इससे हमारी जो आँखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड इंटेंसिफाई दिखेगी। एंड देन नाइट टाइम है, थोड़ा सा और ज़्यादा हाइलाइटर तो बनती ही है, मैं डे टाइम में बहुत ही कम हाइलाइटर लगाई थी और नाइट टाइम में थोड़ा सा और ज़्यादा इसको दे दूँगी, डिस्को बॉल की तरह नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हाइलाइटर तो बनती है। एंड ऑब्वियसली नाइट टाइम है तो लिपस्टिक तो थोड़ा सा डार्क बनता ही है, मैं आज यूज़ कर रही हूँ नाइट टाइम के लिए शुगर स्मज मी नॉट ब्रेजिन रेजिन, और मैंने थोड़ी सी फॉल्सीज, एक छोटी सी बिंदी और एक बड़ी सी नेक पीस भी पहन लिया है एंड थोड़ा सा चूड़ी भी पहन लिया है ज्वेलरी, तो कैसी लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना, और आपको कौन सी वाली लुक ज़्यादा पसंद आ रही है, डे टाइम वाली या फिर नाइट टाइम वाली, वो भी मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना, और आप इस लुक को रिक्रिएट करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग डेफिनेटली करना, एंड प्लीज़ 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 अगर पसंद आए इस लुक को तो एक छोटा सा लाइक डेफिनेटली कर देना एंड प्लीज़ डू कमेंट के कैसा लगा एंड प्लीज़ डू शेयर विथ अदर्स एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी, और बगल में वो जो छोटी सी घंटी है उसको भी डेफिनेटली प्रेस कर देना, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे प्रोडक्ट डिटेल्स भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज एंड हैप्पी पूजो टू ऑल ऑफ़ यू।